जीवन में आ रही कई समस्याओं से मुक्ति के लिए शिवपुराण में बताए गए कुछ आसान उपाय। ज्योतिषाचार्य की बात माने तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में शिवपुराण को भगवान शिव के अवतार शक्ति एवं उनके महत्वपूर्ण जीवन के विषय में बताया गया है। इसी प्रकार उन्होंने शिवपुराण में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे जीवन में आ रही कई समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य से कि शिवपुराण में ऐसे क्या उपाय बताए गए हैं जिनसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। शिवपुराण के अनुसार भगवान शिव की भक्ति व्यक्ति को बड़े से बड़े संकटों से और बड़ी से बड़ी समस्याओं से दूर कर सकती है। भगवान शिव की हम आराधना करें, भगवान शिव का पूजन करें, जैसे महामृत्युंजय जप हमको बड़े बड़े रोगों से मुक्त कर देते हैं, वैसे कुछ अन्य उपाय भी कहे गए हैं जो हमको संकटों से मुक्त करते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि इत्यादि को लाते हैं। जल में काले तिल मिलाकर के यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करें या अभिषेक के उपरांत भगवान शिव को 108 भगवान के नाम लेकर के काले तिल अर्पित करें तो भगवान शिव हमारे संकटों को दूर करते हैं। कुशोदक अर्थात कुश जो रहती है उससे जल बना करके चटनी जैसे उसको पीस करके उसको जल में मिला करके कुशोदक से भगवान शिव का यदि हम अभिषेक करते हैं तो गंभीर से गंभीर रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस से यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है और कर्ज से मुक्ति हमको प्राप्त होती है। और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करें, प्रदोष का व्रत करें, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाएं, 11 की संख्या में बनाएं, 108 की संख्या में बनाएं, 1008 की संख्या में बनाएं, अपने सुविधा सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उनका पूजन अभिषेक करें, जिससे भगवान शिव हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। संसार में केवल एकमात्र देवता भगवान शिव ही हैं जो बड़ी से बड़ी विपत्तियों को दूर कर सकते हैं, संकटों को दूर कर सकते हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि लाभ को दे सकते हैं।